अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज संडे है और कल के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मुझे वलीमा अटेंड करना था और मैंने अपने लिए दिन को खाना नहीं बनाया था, बस चाट थोड़ी सी खाई थी। तो इस टाइम मुझे काफ़ी भूख लग रही है, तो बस मैं ये चाय पी के तो इसके बाद खुद भी तैयार हो जाऊँगी और बच्चों को भी कर दूँगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7:30 का और आज हस्बैंड थोड़ा लेट हो गए हैं, तो बस उनका वेट करूंगी और उसके बाद हम लोग शादी के लिए निकल जाएंगे। और उनको थोड़ा सा टाइम लग गया था आने में और अभी हम लोग बैंक्वेट में पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे बहुत रौनक और हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ शामिल कर लेती हूँ। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी आज की ये शादी अटेंड करें और मैं आपसे फिर मिलती हूँ बाद में। डेकोरेशन काफ़ी अच्छी रखी हुई थी और खूब हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, तो काफ़ी मज़ा आया। और अभी बस ये फोटो सेशन चल रहा है। रात को वापसी में काफ़ी टाइम हो चुका था, 1:30 का टाइम हो गया था हमें वापस आते हुए, तो बस मैं आपसे अब सुबह ही मिल रही हूँ और अभी नाश्ता बना रही हूँ और कुछ भी खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, बस ये थोड़ा सा ये फ्रेंच टोस्ट मैं लूँगी थोड़ा बहुत, तो बस अभी यही बना रही हूँ। और खाने वगैरह की मैं रात को वीडियो नहीं बना सकी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब सारी गैदरिंग में मैं खाने की वीडियो शूट करूं, लेकिन यह है कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत मज़े का था। पार्टी थी और तो बस वापस आते आते काफ़ी थकावट हो गई थी और अभी बस मैं ये फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ।
मैं भी यही खा लूँगी और बच्चे भी। और रात को लेट सोए लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ा क्योंकि हुरैन का स्कूल था तो और टेस्ट चल रहे थे तो छुट्टी नहीं करवा सकती थी, तो इस वजह से मैं अपने टाइम पर ही उठी हूँ। और दूर की जगह थी तो फिर गाड़ी में मेरा दिल भी जैसे मैला होता है तो वो भी एक थोड़ा सा परेशानी हुई है उस चीज़ की भी, लेकिन ये ओवरऑल काफ़ी इन्जॉय किया। आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये ब्रेड बिल्कुल स्मॉल थी तो इस वजह से मैंने 4-5 पीस बनाए हैं फ्रेंच टोस्ट के, मैं भी खा लूँगी और बच्चे भी। और बस मेरा नाश्ता तकरीबन रेडी है। और ये आपको चाय का कलर थोड़ा सा डार्क फील हो रहा होगा क्योंकि चाय रख के मैं बरीरा के साथ बिज़ी हो गई थी, थोड़ा वो रो रही थी तो इस वजह से, तो इसको नॉर्मल करने के लिए मैं अभी ये ड्राई मिल्क शामिल कर रही हूँ। और अभी बस नाश्ता वगैरह करूँगी और उसके बाद वही घर के नॉर्मल रूटीन के काम जो हम ख़वातीन के कभी भी ख़त्म नहीं होते। और जब कभी शादी से या किसी भी इवेंट से बंदा वापस आता है तो उसका भी काफ़ी सामान इधर उधर फैल जाता है, तो उसको समेटने का काम भी जो है ना वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है, तो मेरा भी बस अभी कुछ इसी तरह है। काफ़ी चीज़ें कपड़े वगैरह बच्चों के हमारे वो इधर उधर फैले हुए हैं, तो नाश्ते के बाद पहले तो मैंने इन चीज़ों को समेटना है और इसके बाद वही नॉर्मल रूटीन के काम करने हैं। रीरा की बर्थडे भी आने वाली है 12th को, तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए केक बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और मैं मेरा इरादा इंशाल्लाह ताला ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने का है, तो बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तो जो थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी। और जिस तरह पहले मैंने टी केक की रेसिपी बहुत इजी सी और बेसिक सी शेयर की थी, तो इसी तरह ये ब्लैक फॉरेस्ट केक की भी बहुत आसान और नो फेल रेसिपी होगी जिससे नए बेकिंग करने वाले या नए सीखने वालों को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। तो बस आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करते रहा करें और जो लोग नए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। मेरा नाश्ता भी ऑलमोस्ट हो चुका है तो अब मैं अपने बाकी के काम कर लूँ और आपसे इजाज़त देती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।